हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर जिला जालौर की हमारी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 9 की विषय गणित प्रश्नावली 2.5 के सवाल हल करेंगे। सवाल नंबर 8 से इसमें लिखा गुणनखंड कीजिए। इसका पहला सवाल लिख रहा हूं मैं, देखो 8a³ प्लस का b³ प्लस का 12 a²b प्लस का 6ab²। देखो बच्चों कैसे हल करेंगे। सबसे पहले हम इन दोनों जो क्यूब की संख्या है ना, ये इनका घनमूल ज्ञात करेंगे। तो 8a³ का घनमूल ज्ञात करेंगे सबसे पहले, तो इस प्रकार ज्ञात करेंगे। देखो ये 8a³ को तो हमने अंडरूट के अंदर दिया बाहर 3, इस 3 का मतलब 3 मूल, या 2 लिख दूं 2 मूल। 3 मूल का मतलब होता है घनमूल, 2 मूल का मतलब होता है वर्गमूल, ठीक है। तो 8a³ का घनमूल क्या होता है 2a, और फिर अब हम b³ का घनमूल ज्ञात करेंगे। तो b³ का घनमूल होता है b, राइट। अब ये a का मान हो गया 2a और b का मान हो गया b, तो ये a का मान ये b का मान, इसको मानेंगे a का मान, इसको मानेंगे b का मान। तो ये प्लस की संख्या है तो प्लस वाले सर्वसमीका लगाएंगे हम। देखो सर्वसमीका क्या लगेगी यहां पे, सर्वसमीका a प्लस बी का होल क्यूब बराबर ये होती है हमारे पास में a³ + b³ + 3ab कोष्टक में a प्लस बी, राइट। अब जहां जहां a लिखा वहां वहां हम रखेंगे 2a, और जहां जहां b लिखा वहां रखेंगे b। तो a प्लस बी, a की जगह 2a रखेंगे, b की जगह b रखेंगे। 2a प्लस बी का होल क्यूब, फिर a क्यूब का मतलब होता है 2a का होल क्यूब, क्योंकि a का मान हमने 2a माना, और b की जगह b यानी b³ प्लस 3 की जगह 3 गुणा a, a का मान 2a और b का मान b, कोष्ठक में 1 का मान 2a प्लस b की जगह b। अब बच्चों यहां से लेके ये हमारा सवाल यही संख्या है, इसको हल करने पर इधर वाला आंसर आ गया गुणनखंड का। देखो 2a³ का 2a का होल क्यूब बन जाता 8a³, ये b³ का b³ प्लस का प्लस। अब इन सभी संख्या को गुणा करेंगे 2a से, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, ये रहा 12। a को a से गुणा किया a² और b को b से गुणा किया। अब देखो ध्यान से, ये b का b आ गया, ठीक है। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, a को a से गुणा किया a² और b का b। अब इन सभी संख्याओं को गुणा करेंगे 20 से, 3 दूनी 6, ये रहा 6, a का a, ये रहा a, और b को 20 से गुणा करें 20 स्क्वायर। इसका ये हमारा सवाल था, इसका आंसर इधर वाला आ गया, इसलिए हमको प्राप्त हो गया इस सवाल का गुणनखंड। क्या प्राप्त हो गया, 2a प्लस बी का होल क्यूब, ये हो गया 2a प्लस बी का होल क्यूब। इसका मतलब 3 बार प्राप्त हो गया, 2a प्लस बी, 2a प्लस बी, 2a प्लस बी, या इतना छोड़ सकते हैं आप, ये आंसर आ गया, राइट। अब देखो बच्चों इसका सेकंड सवाल, इसमें लिखा हमारे पास में, जरा ध्यान पूर्वक समझना, ये माइनस वाला आ गया। 8a³ माइनस का b³ माइनस का 12a²b प्लस का 6ab²। तो देखो बस वही तरीका, घनमूल ज्ञात करेंगे 8a³ का, ठीक है। ये 8a³ का घनमूल ज्ञात कर लेंगे हम, तो ये आ गया 2a। अब b³ का घनमूल ज्ञात कर लेंगे तो आ गया b। अब ले लेंगे माना, ये a का मान तो मान लिया 2a, b का मान मान लिया b। अब सर्वसमीका लगाएंगे, देखो यहां प्लस था तो प्लस की लगाई मैंने ये सर्वसमीका, अब ये यहां माइनस आएगा तो माइनस की लगा देंगे हम, a प्लस बी की जगह माइनस बी लगा देंगे हम। सर्वसमीका a माइनस बी का होल क्यूब बराबर होता है a³ माइनस का b³ माइनस का 3ab कोष्टक में a माइनस बी। जहां जहां a लिखा हुआ 2a रख दो, और जहां जहां b लिखा हुआ b लिख दो आप। तो a की जगह रखेंगे 2a
माइनस बी की जगह बी, ये होल क्यूब, फिर ए की जगह दो ए, ये होल क्यूब, फिर बी की जगह बी, ये होल क्यूब, माइनस का माइनस, तीन का तीन, ए की जगह दो ए गुणा बी की जगह फिर देंगे बी, कॉस्ट में ए की जगह दो ए और बी की जगह रह देंगे बी। तो ये हमारा सवाल है यहां से लेके ये का, ये सवाल हमारा जो हमने संख्या दे रखी है इधर वाला आंसर होता है। इसलिए हमको इसके गुणनखंड प्राप्त हो गए बच्चों। क्या प्राप्त हो गया गुणनखंड, देखो आप, ये दो ए माइनस बी का होल क्यूब, दो ए माइनस बी का होल क्यूब, ये हमको बच्चों इसके गुणनखंड प्राप्त हो गए, राइट। अब इसके बाद बच्चों हम चलेंगे सवाल नंबर तीन की तरफ, वो भी इसी प्रकार होगा। देखो सवाल नंबर तीन में लिखा हमारे पास है बच्चों, देखो 27 माइनस का 125 ए क्यूब माइनस का 135 ए प्लस का 225 ए स्क्वायर, ये हमने सवाल नंबर तीन की संख्या लिख दी बच्चों। 27 माइनस 125 ए क्यूब माइनस का 135 ए प्लस का 225 ए स्क्वायर, देखो कैसे हल करेंगे हम, अच्छी तरह समझना बच्चों। सबसे पहले क्यूब वाली संख्या, हमारी दोनों संख्या शुरू वाली, इनका घनमूल ज्ञात करना, हम 27 का घनमूल ज्ञात करेंगे, तो 3 अंडर रूट 27, इस 3 का मतलब, यहाँ 3 लिखने का मतलब हम इसका वर्गमूल ज्ञात कर रहे हैं, घनमूल ज्ञात कर रहे हैं, तो 27 का घनमूल बन जाता है 3, क्योंकि 3 को 3 बार लिखने पर 27 होता है, 3 गुणा 3 गुणा 3 27 होता है। इसके बाद 125 ए क्यूब का घनमूल ज्ञात करेंगे हम, 3 125 ए क्यूब, तो ध्यान देना 125 ए क्यूब का घनमूल ज्ञात करेंगे, 125 का घनमूल 5, ए क्यूब का ए, तो 125 ए क्यूब का घनमूल आ गया 5 है। अब ये तो हो गया एक का मान, ये हो गया बी का मान, ऐसे मतलब लिखेंगे अपन, देखो यहां पे माना ए बराबर 3 तथा बी बराबर 5 ए, तो 3 तो मान लिया हमने ए का मान, ये 5 ए मान लिया हमने बी का मान, ठीक है। अब हम सरोसीमी का लगाएंगे माइनस वाली, जो अभी अपने ये लगाई थी सर्वसमी का ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर होती है ए क्यूब माइनस का बी क्यूब माइनस का 3ab कोष्टक में ए माइनस बी। तो देखिए बच्चों, अब हम मान रखेंगे ए की जगह रखेंगे 3 और बी की जगह रखेंगे 5 है, मैं आराम से समझा रहा हूं, तसल्ली से समझना। तो ए की जगह एक का मान रखेंगे 3 और बी की जगह रखेंगे बी का मान 5 है, तो यहां ए की जगह 3 रखेंगे और बी की जगह 5 है, तो ये बन जाएगा हमारे पास में 3 माइनस का 5 ए का होल क्यूब, फिर एक का मान रखेंगे 3 कोष्टक में रख देना ये होल क्यूब बना दो, फिर बी की जगह 5 ए रख देना आप, 5 ए का होल क्यूब माइनस 3 की जगह 3, कोई चिन्ह नहीं है तो आप गुणा लगा देना, गुणा एक का मान वापस 3 रखेंगे, बी का मान 5 ए रखेंगे, कोई चिन्ह नहीं तो गुणा होती है ना, फिर एक का मान क्या रखेंगे 3 माइनस बी, बी की जगह रखेंगे 5 ए, ये मैंने पूरे में यहाँ पे एक की जगह एक का मान रख दिया 3 और बी की जगह बी का मान रख दिया 5 ए। अब बच्चों यहां से लेके ये हमारा सवाल ही, देखो 3 क्यूब का मान 27, ये माइनस का माइनस, 5 ए का होल क्यूब बन जाता है 125 ए क्यूब। अब इन सब का गुणा करेंगे 3 से, 3 3 9 9 5 45 45 ये 135, 135 ये रहा माइनस का। इसके बाद इन सब का गुणा करेंगे 5 ए से, तो ये माइनस और ये माइनस बन जाएगा प्लस,
तीन तीन नौ, नौ पच्चीस पैंतालीस, पैंतालीस पंजे 225, एक को ऐसे गुणा किया स्क्वायर, तो इसका मतलब ये संख्या हमारी क्या सवाल की संख्या थी, इधर वाला हमारा आंसर है। तो अब हम लिखेंगे इसलिए गुणनखंड, इसलिए गुणनखंड क्या प्राप्त हो गया हमको, ये इधर वाले गुणनखंड प्राप्त है, ये सवाल था हमारा, ये हमारा आंसर है। तीन माइनस पांच का होल क्यूब, ये हमारा आंसर है। इसको आप आगे लिखना चाहते तो तीन माइनस पांच है ना, इसको तीन बने दो, तीन माइनस पांच है, तीन माइनस पांच है, और तीन माइनस पांच है, तीन कोष्ट बना के भी इसको आगे कर सकते हो, अन्यथा आप इतना भी छोड़ सकते हो। तो इस सवाल के हमारे को ये गुणन प्राप्त हो गया, तीन माइनस पांच एक का होल क्यूब। इसके बाद बच्चों हम अगला सवाल, अब सवाल नंबर चार सीखेंगे। देखिए बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर फोर, इसमें लिखा चौसठ ए क्यूब माइनस का सत्ताईस बी क्यूब माइनस के 144 ए स्क्वायर बी प्लस के 108 ए बी स्क्वायर, ये हमारे क्वेश्चन की संख्या लिख दी मैंने। अब इसको बच्चों अपन हल करेंगे, देखो ध्यान पूरा समझना आप, अब तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। सबसे पहले इस ए क्यूब वाली और बी क्यूब यानी क्यूब वाली संख्या को हम क्या करेंगे, इनका दोनों का क्या ज्ञात करेंगे, इनका हम घनमूल ज्ञात करेंगे। तो देखो बच्चों तीन ये चौसठ ए क्यूब, इसका मतलब है चौसठ ए क्यूब का हमको घनमूल ज्ञात करना है। चौसठ का घनमूल चार होता है, ए क्यूब का ए, फिर तीन सत्ताईस बी क्यूब, इसका मतलब सत्ताईस बी क्यूब का घनमूल होता है तीन बी, राइट। तो चौसठ ए क्यूब का घनमूल आ गया चार ए और सत्ताईस बी क्यूब का घनमूल आ गया हमारे पास तीन बी। अब हम इस चार ए को तो एक का मान मानेंगे और तीन बी को बी का मान, तो सर्वस्वयं बन जाएगी माइनस वाली वही, सर्वसमी का ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है, ए क्यूब माइनस का बी क्यूब माइनस का थ्री ए बी, ये रहा थ्री ए बी कोष्टक ए माइनस बी, राइट। अब हमने सर्वसमी का लगा दी, ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी कोष्टक ए माइनस बी। अब हम इसका मान रखेंगे ए और बी का, जहां जहां ए लिखा वहां हम चार ए रखेंगे। देखो बच्चों इसके पहले हम इसको मान सकते हैं, पे थोड़ा सा ये मान लेना आप, माना ए बराबर चार ए और बी बराबर तीन बी, राइट। तो ए की जगह चार ए रख देंगे और बी की जगह तीन बी रख देंगे, तो ए की जगह क्या रखूंगा मैं यहां पे चार ए और बी की जगह रखूंगा तीन बी, कोष्टक बंद ये होल क्यूब, फिर ए की जगह चार ए ये होल क्यूब और बी की जगह रखेंगे तीन बी ये होल क्यूब, तीन की जगह तीन गुणा ए की जगह चार ए गुणा बी की जगह तीन बी, कोष्ट में ए की जगह चार ए माइनस का माइनस और बी की जगह तीन बी। तो बच्चों इस सर्वसमीकरण में हमने ए और बी का मान रख दिया, राइट। अब देखो यहां से लेकर हमारा ये सवाल है, चार ए का होल क्यूब बन जाता चौसठ ए क्यूब, तीन बी का होल क्यूब बन जाता सत्ताईस बी क्यूब, इन सब का गुणा करें चार से, तीन चौक बारह, बारह या छत्तीस, छत्तीस चौके 144 ए स्क्वायर ये बन गया और बी ये बन गया। अब माइनस और माइनस का गुणा करेंगे प्लस, इन सभी का गुणा करेंगे तीन बी से, तीन चौक बारह, बारह तीन छत्तीस, छत्तीस तीन 108 ये रहा ए का ए और बी को बी से गुणा के बी स्क्वायर। इसका मतलब है कि हमारा सवाल ये रहा, इस सवाल की संख्या को हमने इस रूप में लिख दिया, ठीक है। अब हम इधर वाला ये हमारा आंसर आ गया गुणनखंड का, इसलिए ये हमारा प्राप्त हो गया गुणनखंड, क्या प्राप्त हो गया
चार ए माइनस तीन बी का होल क्यूब, ये आंसर। अब देखो बच्चों इसके बाद एक सवाल बच गया और इसका सवाल नंबर पांच। इसमें लिखा बच्चों ध्यान पूरा समझना, सारे सवाल एक ही प्रकार के हमारे, ठीक है। इसमें लिखा 27 पी क्यूब माइनस का 1 बटा 216 माइनस का 9 बटा 2 पी स्क्वायर प्लस का 1 बटा 4 पी, राइट। अब देखो इसको कैसे हल करेंगे, इसी प्रकार हल करेंगे। सबसे पहले 27 जो हमारा ये पी क्यूब है इसका घनमूल ज्ञात कर लेंगे 3p, फिर ये 1 बटा 216 है इसका घनमूल ज्ञात करेंगे, 1 का घनमूल 1 होता है, 216 का घनमूल 6 होता है, राइट। अब जैसे घनमूल ज्ञात कर लिया इनको a और b का मान मान लेंगे, ये a का मान ये b का मान, तो माना a बराबर 3p और b बराबर मान लेंगे 1 बटा 6। अब हमने बच्चों क्या किया, सबसे पहले घनमूल ज्ञात किया इन दोनों संख्याओं का, तो 3p और 1 बटा 6 आ गया। अब इसको a का मान मान लिया, इसको b का मान मान लिया, अब हम सर्वसीमा का लगाएंगे वही माइनस वाली। सर्वसमीका a माइनस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है, आपको याद हो गया होगा, ये a क्यूब माइनस ये b क्यूब, फिर माइनस का 3ab और cos टर्म a माइनस बी, यहां प्लस होता तो सब जगह प्लस का चिन्ह आ जाता। अब बच्चों हमने सर्वसमीका लगा दी, सर्वसमीका में जहां जहां a लिखा a की जगह 3p लिखेंगे और b की जगह 1 बटा 6 रखेंगे, तो इस 1 का मान रखेंगे 3p और b की जगह रखेंगे 1 बटा 6, ये क्यूब का क्यूब, फिर 1 की जगह रखेंगे 3p ये होल क्यूब और b की जगह रखेंगे 1 बटा 6 ये होल क्यूब, माइनस 3 की जगह 3 गुणा a, 1 का मान 3p गुणा b, b का मान 1 बटा 6 कॉस्ट, फिर 1 का मान क्या रखेंगे 3p माइनस बी, बी का मान क्या रखेंगे हम 1 बटा 6। अब बच्चों यहां से लेके हमारे सवाल की संख्या यही है, देखो 3p का क्यूब बन जाता है 27p क्यूब, 1 बटा 6 का क्यूब बन जाता है 1 बटा 216। अब यहां से लेके इन सबको गुणा करेंगे तो देखो ये 3 से काट देंगे हम, देखो यहां पे दो बार ध्यान देना, इस 3 को काट देंगे दो बार, 3 को और 6 ये दो बार आ जाएगा, ऊपर 3 और 3 का गुणा हो गया 9, नीचे बच गया 2 काटने पर, और पी का पी, और पी को पी से गुणा करेंगे पी स्क्वायर। अब इन सब का गुणा कैसे करेंगे, 1 बटा 6 से, ठीक है। तो ध्यान देना 3 से काट देंगे हम यहां पे 6 को 2 से, 3 को इससे काट देंगे 2 से, तो नीचे 2 दूनी कितना हो गया 4, ये रहा 4, ऊपर पी को ध्यान देना आप 1 को और 1 को गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1p, इसका मतलब ये संख्या हमारी यही है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, जैसे हमने मान रख दिया, ठीक है, सभी का मान, तो यहां से लेके हमारा सवाल था ये, और इस सवाल का आंसर इधर वाला है, इसलिए हमको गुणनखंड प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया, 3p माइनस 1 बटा 6, 3p माइनस का 1 बटा 6 का होल क्यूब, ये इसका आंसर आ गया। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, जो उत्तर आता नहीं है इसको आप 3 बार लिख सकते, चाहे इतना छोड़ दो चाहे 3 बार लिख दो, कैसे, 3p माइनस 1 बटा 6, 3p माइनस का 1 बटा 6, 3p माइनस का 1 बटा 6, ये 3 गुणनखंड हमको प्राप्त हो गए। इसका मतलब है ये घातीय है, इसको हमने 3 बार लिख दिया, तो आप चाहे तो ऐसे लिख देना, आप इतना भी छोड़ सकते हो। तो बच्चों मैंने आज आपको सवाल नंबर 8 के 5 सवाल थे और पांचों सवाल मैंने आपको अच्छी तरह समझा दिए। मैं आशा कर सकता हूं कि आज बताए गए ये पांचों सवाल आपको बड़े अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, और इसके बाद बच्चों इसके आगे के सवाल
मैं आपको कल के वीडियो में सिखाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।